हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन फॉर फ्री। आप भी मेरे चैनल में बेल आइकन का दबाएंगे तो आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएंगी। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सीबीएसई बायोलॉजी का चैप्टर 4 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। आज हम इसका पढ़ेंगे पार्ट 2, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हाउ डू दिस ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड, ट्रेट्स कैसे एक्सप्रेस होते हैं इसको जानते हैं। सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। जो सेल में डीएनए प्रेजेंट होता है ना, वो क्या है, इंफॉर्मेशन सोर्स है कि क्या प्रोटीन बनेगा सेल में। अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड द जीन फॉर द प्रोटीन। अब डीएनए का एक छोटा हिस्सा, छोटा सेक्शन, उसमें एक इंफॉर्मेशन रहती है प्रोटीन के लिए, और जो वो हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीन फॉर दैट प्रोटीन। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ टॉलनेस ट्रेट इन प्लांट्स। ऐसे ही टॉलनेस का जो ट्रेट था प्लांट में, वो भी एक जीन में ही प्रेजेंट था। इन अदर वर्ड्स, अ प्रोटीन कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोटीन है उसकी वजह से ही किसी इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं। प्लांट्स हैव हार्मोन्स दैट कैन ट्रिगर द ग्रोथ। जो प्लांट्स के पास हार्मोन होते हैं जिससे ग्रोथ बढ़ती है, होती है। प्लांट हाइट डज डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन। अब प्लांट की हाइट किस पे डिपेंड करती है, कौन सा पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन प्रेजेंट है। द अमाउंट ऑफ हार्मोन मेड विल डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस फॉर मेकिंग इट। अब कितना अमाउंट हार्मोन का बनेगा वो किस बात पे डिपेंड करता है कि वो जो प्रोसेस है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है। दिस प्रोसेस रिक्वायर्स एन एंजाइम। अभी जो हार्मोन कितना प्रेजेंट है, उसकी एफिशिएंसी कैसी है, जो प्रोसेस है टोटल, इसको एक एंजाइम की जरूरत होती है। एंजाइम वर्किंग एफिशिएंटली देन अ लॉट ऑफ हार्मोन विल बी मेड एंड द प्लांट विल बी टॉल। अगर प्लांट ग्रोइंग एंजाइम जो प्रोसेस में काम कर रहा है, अगर वो अच्छे से काम कर रहा है, एफिशिएंटली काम कर रहा है, तो बहुत सारा हार्मोन बनेगा और प्लांट की हाइट क्या होगी, प्लांट टॉल होगा, बड़े साइज का होगा। If the gene for that enzyme has an alteration that makes the enzyme less efficient, the amount of hormone will be less and the plant will be short. लेकिन अगर जो वो genes है enzyme के लिए, उसमें कुछ बदलाव आ रखे हैं जिससे कि enzyme less efficient हो जाएगा, उससे क्या होगा, हार्मोन की अमाउंट जितनी प्रोड्यूस होनी है वो कम प्रोड्यूस होगी, और इसकी वजह से प्लांट की हाइट छोटी रह जाएगी, वो शॉर्ट हो जाएगा। Thus, genes control characteristics or trait. तो हमारे को पता चल गया ना अभी इस प्रोसेस से कि जीन्स क्या कंट्रोल कर रहे हैं, characteristics या trait को कंट्रोल कर रहे हैं। According to Mendelian experiment, both parents determine the trait in the progeny because both parents are contributing a copy of the same gene. अब मेंडल जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे क्या पता चला कि जो दोनों पेरेंट्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में क्या ट्रेड आएगा इसको बताते हैं। कैसे बताते हैं, क्योंकि दोनों पेरेंट्स हैं सेम, थोड़ी थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, सेम इक्वल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। 50% अगर फादर दे रहा है तो 50% मदर दे रही है उस जीन्स के लिए। For this mechanism to work, each germ cells must have only one gene set. अब इस mechanism को जो मेंडल ने बताया है, अगर इसको काम करना है तो क्या होना चाहिए, हर germ cell में सिर्फ एक ही gene set होना चाहिए। In a plant, if two characteristics are round and Y yellow are linked, then it cannot be independently inherit. अब देखिए, अब इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, तो उसमें क्या है कि अगर प्लांट के पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि एक राउंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैपिटल आर से हम उसको बताते हैं, और येलो है उसका कलर, वाई से उसको बता रहे हैं, अगर वो लिंक है तो फिर, अगर वो लिंक है तो फिर वो आपस में, मतलब इंडिपेंडेंटली नहीं आ पाएगा, वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। Explanation for this is that each gene set is present not as a single long thread of DNA but as a separate independent pieces each called a chromosome. अब इसकी explanation क्या कह सकते हैं कि जो gene set है वो present एक ऐसे ही नहीं present है, वो एक single long thread of DNA के रूप में present है और वो separate independent piece है जिसको हम chromosome कहते हैं।
Every germ cell will take one chromosome from each pair, and these may be of either maternal or paternal origin. जो हर जर्म सेल होता है ना उसके पास एक क्रोमोसोम होता है एक पेयर से, यानी कि एक जोड़े से एक क्रोमोसोम होता है, और वो या तो मदर की तरफ से हो सकता है या फादर की तरफ से हो सकता है. When two germ cells combine, they will restore the normal number of chromosome in the progeny, ensuring the stability of the DNA of the species. अब जो दो जर्म सेल्स कंबाइन होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स जब कंबाइन होते हैं, उससे क्या है, उनको नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन जाता है नेक्स्ट जनरेशन में. इससे क्या है, डीएनए की स्टेबिलिटी रहती है स्पीशीज में. दिस वेल एक्सप्लेन्स द मेंडल एक्सपेरिमेंट्स. तो इससे हमारे को मेंडल का एक्सप्लेनेशन एक्सपेरिमेंट का आराम से मिल रहा है. सेक्स डिटर्मिनेशन. अब कैसे हम लोग जान सकते हैं कि कौन सा सेक्स पैदा हो रहा है, मेल हो रहा है कि फीमेल हो रहा है, ये हम जानते हैं, कैसे पता चलता है. इन अ फ्यू रेप्टाइल्स द टेम्परेचर एट विच फर्टाइल एग आर कैप्ट डिटरमिन्स वेदर द एनिमल्स डेवलपिंग इन द एग्स विल बी मेल और फीमेल. एग्जाम्पल सी टर्टल. कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जिनमें टेम्परेचर, जिसमें फर्टिलाइज एग प्रेजेंट है, उससे पता चलता है कि एनिमल जो अंदर एग के अंदर डेवलप हो रहा है वो मेल होगा या फीमेल होगा. इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है सी टर्टल. देखिए सी टर्टल है ना, इसमें टेम्परेचर के हिसाब से ये पता चलेगा कि फर्टिलाइज एग के अंदर क्या डेवलप हो रहा है, मेल डेवलप हो रहा है कि फीमेल डेवलप हो रहा है. चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं. In some animals, such as snails, individuals can change sex, indicating that sex is not genetically determined. अब कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं, जैसे कि स्नेल होता है, उसमें क्या है, वो अपना सेक्स चेंज कर सकते हैं. तो इससे ये बात लगती है कि सेक्स जो है जेनेटिक्स से डिटरमिन नहीं हो सकता, जेनेटिक्स पे डिपेंड नहीं करता है. ये देखिए स्नेल, ये हमारे को थोड़ा अलग तरह की बात बता रहा है. In human beings, the sex of the individual is largely genetically determined. अब क्या है, जो human beings है, हम लोग इंसान जो है उसमें जो individual का क्या sex होगा, वो male होगा कि female होगा, ये सारा कुछ depend करता है genetics पे, ठीक है. Human chromosomes have a maternal and a paternal copy, and we have 22 such pairs. Human chromosome, हमारे पास जो chromosome present होते हैं उसमें एक मदर की तरफ से होते हैं, एक फादर की तरफ से होते हैं, और ऐसे हमारे पास 22 पेयर्स होते हैं. मतलब मदर के पास भी 22 पेयर्स है, फादर के पास भी 22 पेयर्स है. बट वन पेयर कॉल्ड द सेक्स क्रोमोसोम इज ऑड. लेकिन एक पेयर होता है वो ऑड होता है, यानी कि टोटल एक्चुअली हमारे पास कितने हैं, 23 पेयर हैं. 22 पेयर तो कॉमन है दोनों के पास, ठीक है. एक पेयर है जो अलग है, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम अलग है. Women have a perfect pair of sex chromosome, double XX, ठीक है ना, capital X, capital X. तो women होती है, उनके पास perfect pair of sex chromosome होता है, यानी कि उनके पास दोनों ही X present होते हैं. Men have a mismatched pair in which one is a normal sized X while the other is a short one called Y. So men are XY. Man के पास परफेक्ट मैच नहीं है, मिसमैच है. उसमें एक तो नॉर्मल साइज का एक्स प्रेजेंट है और दूसरा क्या प्रेजेंट है, छोटे साइज का वाई प्रेजेंट है. तो मैन का क्या हुआ, सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई हुआ. ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर. तो सारे जो बच्चे होते हैं उनके पास मदर की तरफ से एक एक्स क्रोमोसोम आता है. द सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिटरमिनेट बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर. तो जो बच्चे का सेक्स है कि वो मेल होगा कि फीमेल होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, फादर के ऊपर. अ चाइल्ड हु इनहेरिट्स एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हर फादर विल बी अ गर्ल. और जो बच्चा है जिसको अपने फादर से एक्स क्रोमोसोम मिलेगा वो गर्ल होगी. एंड वन हु इनहेरिट्स अ वाई क्रोमोसोम फ्रॉम हिम विल बी अ बॉय. और जिस बच्चे को वाई क्रोमोसोम मिलेगा अपने फादर से वो होगा बॉय, लड़का होगा वो, ठीक है. देखिए यहाँ पे दिखाया है मैंने आराम से, पिक्चर ध्यान से देखिए, ये मेल है ये फीमेल है. अब मेल के गैमिट्स में दोनों एक्स और एक वाई प्रेजेंट है और फीमेल के पास दोनों एक्स प्रेजेंट है एग में. तो जब जायगोट बनेगा, अगर वो मेल से एक एक्स लेके और फीमेल का भी एक्स जो लेके बनेगा तो एक्स एक्स होगा, तो वो फीमेल बनेगी, ऑफस्प्रिंग जो होगा फीमेल होगा.
और अगर वो मेल से वाई लेते हैं और फीमेल तो एक्स ही देगी, तो एक्स वाई बनेगा, तो वो मेल होगा बॉय होगा, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बीच बीच में आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो जरूर मुझसे पूछिए, ठीक है। कमेंट में मुझसे पूछिए कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा है। मेरे चैनल एजुकेशन फॉर फ्री को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। इवोल्यूशन, चलो इवोल्यूशन प्रोसेस को देखते हैं क्या होता है। देयर इज एन इनबिल्ट टेंडेंसी टू वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। एक इनबिल्ट टेंडेंसी होती है कि वेरिएशन होगा रिप्रोडक्शन के दौरान, both because of errors in DNA copying and as a result of sexual reproduction. ये किस लिए होती है variation? Because थोड़े से DNA की जब copy होती है उसमें errors आते हैं, और दूसरा क्योंकि ये sexual reproduction के द्वारा हो रहा है इसलिए भी। And illustration, चलो अब एक बढ़िया सा example देखेंगे कि scientist ने क्या किया था एक बार। In a group of 12 beetles living in bushes with green leaves. एक ग्रुप लिया उन्होंने 12 बीटल्स का जो कि बुशेस में रहते थे और वहां पे ग्रीन लीव्स थी उस बुशेस की। क्रोस ईट दीस बीटल्स, क्रोस यानी कौवे जो है ना वो इन बीटल्स को खाते थे, ठीक है। अभी इसका हम फर्स्ट सिचुएशन लेते हैं। अ कलर वेरिएशन अराइज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन सो दैट देयर इज वन ग्रीन कलर बीटल इंस्टेड ऑफ रेड। अभी क्या हुआ, एक कलर की वेरिएशन आई जब रिप्रोडक्शन हो रही थी, तो एक जो बीटल थी वो ग्रीन कलर की हो गई, बाकी सारी रेड थे, एक ग्रीन कलर की पैदा हो गई, ठीक है। दिस बीटल पास द कलर ऑन टू इट्स प्रोजेनी, और ये जो ग्रीन कलर की बीटल थी इसने जो अपना एक करेक्टर है ग्रीन कलर, ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी दिया, यानी नेक्स्ट जनरेशन जो उसकी थी वो भी ग्रीन कलर की हुई। एज क्रोस कैन नॉट सी ग्रीन कलर बीटल्स ऑन द ग्रीन लीव्स and therefore cannot eat them. अब जो देखो क्रोज है, तो उनको ग्रीन कलर की बीटल क्योंकि ग्रीन लीव्स के ऊपर थी तो उनको वो नजर नहीं आई, तो इसलिए उन्होंने उसको खाया ही नहीं। The progeny of green beetles is not eaten. तो इस वजह से जो ग्रीन बीटल की आगे की पॉपुलेशन थी, आगे की जनरेशन थी उसकी, जो वो बच गई खाने, खाए ना कि खाया नहीं उसको किसी ने। तो while the progeny of red beetles continue to be eaten, लेकिन जो रेड बीटल की जनरेशन थी आगे वाली, उसको क्या है, क्रोस खाते रहते थे आराम से। As a result, there are more and more green beetles than red ones in the beetle population. इसकी वजह से क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा जो है ग्रीन बीटल्स की पॉपुलेशन होगी, और रेड वन जो थे, रेड वाली थे, वो कम रह गए। The variation become common because it gave a survival advantage. अब ये वेरिएशन कॉमन हो गई, मतलब ज्यादा नजर आने लगी, क्योंकि इसकी वजह से जान बच रही थी, सर्वाइवल एडवांटेज मिल रहा था। Thus, natural selection is directing evolution in beetle population. तो इस तरीके से जो नेचुरल सिलेक्शन हो रही है ना, इसकी वजह से बीटल की पॉपुलेशन में एक अलग तरह का एवोल्यूशन आ गया। अब इसकी एक और सेकेंड सिचुएशन है, वो देखते हैं सेकेंड सिचुएशन में क्या हुआ। A color variation arises during reproduction so that there is one blue color beetles instead of red. अभी क्या हुआ, जब वेरिएशन हुई, कलर की वेरिएशन हुई, तो एक बीटल जो है वो ब्लू कलर का पैदा हुआ, वो बाकियों की तरह रेड कलर का नहीं था। These beetles pass the color on to its progeny. अब जो ये ब्लू कलर का बीटल था ना, इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई वो भी ब्लू कलर की ही हुई। Crows can see blue color beetles on the green leaves. अब क्या कौवे थे, उनको आराम से ब्लू कलर की भी बीटल नजर आएगी ग्रीन लीव्स के ऊपर। Therefore can eat them. So उन्हों क्रोस ने जो है उनको आराम से खाया। At this point an elephant comes by and stamps on the bushes killing most of them. इसी टाइम पे जब ये ब्लू कलर की बीटल्स भी प्रेजेंट थी और रेड कलर की बीटल्स भी प्रेजेंट थी, तब एक एलिफेंट आया और उसने क्या है बुशेस के ऊपर ऐसे पैर वगैरह रखा अच्छे से, तो इसलिए क्या है काफी सारे बीटल्स मर गए। By chance the few beetles that have survived are mostly blue. एक चांस की बात ऐसी हुई कि जो बीटल्स बच गए वो ज्यादातर कौन से कलर के थे, ब्लू कलर के थे। The beetles population slowly expands again, but now the beetles in the population are mostly blue. अब धीरे धीरे बीटल की पॉपुलेशन आगे बढ़नी शुरू हुई धीरे, तो लेकिन जो अब बीटल की पॉपुलेशन थे उसमें ज्यादातर कौन था, ब्लू कलर ही था। Here color change gave no survival advantage. यहाँ पे जो कलर का चेंज हुआ था, यानी ब्लू कलर का एक हुआ था बीटल, उससे कोई बचने की तो उनकी संभावना नहीं हुई, बचने के लिए उनको कोई एडवांटेज नहीं मिली।
So accidents in small population can change the frequency of some genes in a population, even if they give no survival advantage. तो कोई कोई छोटे छोटे एक्सीडेंट अगर छोटी पॉपुलेशन में अगर हो जाते हैं और उससे कुछ जीन्स की फ्रिक्वेंसी उस पॉपुलेशन में चेंज होती है, चाहे उससे कुछ उनको बचने की सुविधा ना मिले, सर्वाइवल एडवांटेज ना मिले, लेकिन ऐसा एक्सीडेंट्स की वजह से हो जाता है कि जीन्स थोड़ी सी चेंज हो गई। अब एक थर्ड सिचुएशन, लास्ट सिचुएशन साइंटिस्ट ने देखी। इन दिस द बुशेस स्टार सफरिंग फ्रॉम अ प्लांट डिजीज। इसमें क्या हुआ, जिस बुशेस पे वो लोग रहते थे बीटल्स, वो उसको एक प्लांट डिजीज हो गया। द अमाउंट ऑफ लीफ मटेरियल फॉर द बीटल्स रिड्यूस। तो उनके लिए जो बीटल्स थे ना, उनके लिए खाने की कमी हो गई, उनको लीव्स कम मिलने लगा मटेरियल। द बीटल्स आर पुअरली नरिश्ड। तो जो बीटल्स थे, जब उनको कम खाने को मिलेगा तो वो कमजोर हो गए, पुअरली नरिश्ड हो गए, ठीक है। आफ्टर फ्यू ईयर्स एंड अ फ्यू बीटल्स जनरेशन द प्लांट डिजीज एलिमिनेटेड। और कुछ सालों के बाद और कुछ ऐसी जनरेशन बीटल के आगे आगे चलती रही, तो उसके बाद क्या हुआ, प्लांट का डिजीज ऑटोमेटिकली खत्म हो चुका था। देन देयर इज अ लॉट ऑफ लीफ फूड फॉर द बीटल्स। अब क्या था, बीटल्स के पास काफी सारा खाना खाने को था। अब हम चले पढ़ते हैं acquired और inherited traits क्या होते हैं। acquired traits, they are not inherited but developed during the lifetime of an individual। ये जो acquired traits कौन से होते हैं, जो कि inherit नहीं होते, एक generation से दूसरे generation को नहीं pass होते हैं, और ये कैसे develop, उसी individual के lifetime में उसमें कुछ change आता है, वही होते हैं। These cannot be passed on to the future generation। अभी बताया था मैंने कि ये future generation में ये जाएंगे नहीं। For example, low weight is not a trait that can be inherited by the future progeny of starving beetles। अब देखो जो वो था ना beetles, जिनको खाना नहीं मिल रहा था क्योंकि leaf को plant को disease हो गया था, तो उनका जो low weight हुआ था, उनका वजन जो कम हुआ था, वो ऐसा trait नहीं था कि next generation भी कम वजन वाली पैदा हो, ऐसा नहीं हुआ। तो ये क्या है, acquired trait है, वो सिर्फ उसी generation को low weight हुआ था। Inherited traits, they are inherited which are obtained from parents or caused by a change in its gene। ये कौन से ट्रेड होते हैं जो कि पेरेंट्स से हमारे को मिलते हैं, ठीक है, या फिर कुछ चेंज आता है जीन्स में उसकी वजह से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेल्स ऑफ द माइस आर रिमूव्ड बाय सर्जरी इन ईच जनरेशन। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ चूहे थे उनकी जो है पूंछ काटी सर्जरी से हर बार। टेललेस माइस विल नॉट हैव टेललेस प्रोजेनी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि पूंछ काट ली तो उस चूहे के जो बच्चे पैदा हुए, नेक्स्ट जनरेशन जो हुई, तो उनकी पूंछ ही नहीं आई, ऐसा नहीं हुआ। तो ये बताता है कि टेललेस माइस विल नॉट हैव टेललेस प्रोजेनी। तो ये क्या है, इनहेरिटेड ट्रेड्स है, यानी कि पूंछ जो है वो इनहेरिटेड ट्रेड है, अगली जनरेशन में आएगी ही आएगी। साइंटिस्ट वर्क, अब कितने सारे साइंटिस्ट ने जेनेटिक्स वगैरह में काम किया है, चलो उनके बारे में जानते हैं, किसने क्या क्या किया था। सबसे पहले हम जानते हैं चार्ल्स डार्विन के बारे में। He came up with the idea of evolution of species by natural selection। वो ही आइडिया लाया था इवोल्यूशन का, स्पीशीज का कैसे हुआ है और नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा होता है, ये उसने बताया था। जॉर्ज मेंडल जो साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या कहा, He gives us the mechanism for the inheritance of traits from one generation to the next generation। उसने क्या बताया कि कैसे ट्रेट्स जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, उसका तरीका बताया। JBS Haldane, इसने क्या बोला, He suggested that life must have developed from the simple inorganic molecules which were present on earth soon after it was formed। उसने क्या बोला, जीवन कैसे आए इस अर्थ में, जो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, जैसे कार्बन था, हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था, ये सब जो प्रेजेंट थे अर्थ में, उन्हीं की वजह से जीवन आया है, उनकी वजह से ही जीवन आया, ये उसने बताया। स्टैनले एल मिलर एंड हार्लोट एल यूरे, ये दो साइंटिस्ट ने मिलके काम किया। दे असेंबल्ड एन एटमोसफियर सिमिलर टू दैट थॉट टू एग्जिस्ट ऑन अर्ली अर्थ। उन्होंने एक एटमोसफियर जैसी सिचुएशन बनाई, कैसे एटमोसफियर की, जो कि अर्ली अर्थ, जो शुरू में पृथ्वी की सिचुएशन थी, वैसा उन्होंने एटमोसफियर लैब में डेवलप किया। एट द एंड ऑफ अ वीक 15% ऑफ द कार्बन फ्रॉम मीथेन हैड बीन कन्वर्टेड टू सिंपल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। एक हफ्ते के बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जो 15% ऑफ द कार्बन था जो मीथेन से आया था, वो कन्वर्ट हो चुका था सिंपल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन में।
दिस सजेस्ट लाइफ कैन अराइज अफ्रेश ऑन अर्थ इवन नाउ। ये हमारे को क्या बताता है कि आज भी अलग तरह का कुछ जीवन, कोई अलग तरह का कीड़ा या कुछ पैदा हो सकता है इस अर्थ में। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ा आपको सबको समझ आया अच्छे से? अगर नहीं समझ आया तो कमेंट में मुझे पूछिए। जो चीज नहीं समझ आई फिर मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। मेरे चैनल एजुकेशन फॉर फ्री को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। थैंक यू सो मच।